मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एयरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रोलन कंपनी की चैन किट्स की, जो हमारा गोल्ड की चैन किट है, रोलन की गोल्ड चैन किट। कंपनी ने बेसिकली इसे एक नाम दिया हुआ है चैन किट को, गोल्ड चैन किट। कोई सॉलिड वुड्स के नाम से आती है, कोई गोल्ड के नाम से आती है, कोई ऑयल रिंग चैन किट आती है। तो ऐसे ही रोलन में पैटर्न बना रखे हैं अलग अलग कंपनी ने। ये गोल्ड किट है तो इस पे लिखा भी हुआ है गोल्ड चैन किट। ये है हमारा पल्सर 150 सीसी न्यू मॉडल 2006 मार्च के बाद की जो गाड़ी आई थी। ये सारी वही उन सारी गाड़ी में लग जाएगी। पल्सर 150 होनी चाहिए बस, आपकी लग जाती है सब में, ठीक है। कोई यूनिक नहीं, कोई कुछ नहीं। 180 का अलग है, 220 का अलग है, 200 सीसी का अलग है। बाकी पल्सर 150 UG4 जो आती है हमारी, UG3 होती है या DTSI होती है, सब में यही किट लग जाएगी। ये है हमारा CBZ एक्सट्रीम की चैन किट, जो कि हंक में भी लग जाएगी और CBZ एक्सट्रीम में भी लग जाएगी। साथ के साथ यूनिकॉर्न भी आप इसे लगा सकते हो। तो दोनों गाड़ियों की चैन किट है, इन्हीं की दोनों की अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। रोलन कंपनी में इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई बजाज जेनुइन में तो चैन किट के जो रेट है वो ऐसे आसमान, मतलब जे करवा गया चैन किट के रेट में। एक टाइम था जो 600-700 रुपए की चैन किट आती थी, आज की डेट पर अभी एक टाइम है जो 1300 रुपए की चैन किट है बजाज के अंदर। तो देखते हैं भाई रोलन की जो है, पल्सर की रोलन के अंदर कितने की चैन किट है। तो सबसे पहले पल्सर की चैन किट को अनबॉक्सिंग करेंगे हम और देखेंगे। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे है पल्सर 150 सीसी न्यू, मतलब न्यू मॉडल पल्सर 150 UG3 हो UG4 हो दोनों में लगेगी। मार्च 2006 का मॉडल के बाद जितनी भी गाड़ी है सब में आ जाएगी ये। तो यहाँ पे कुछ कोडिंग है भाई इसकी रोलन की, और यहाँ पे लिखा है 124 लिंक की चैन, 15 टिथ का जो आगे का स्पॉकेट और 44 टिथ का जो है उसका पीछे का स्पॉकेट, और 4H यानी कि इसके जो पीछे का जो स्पॉकेट है उसमें 4 होल हैं। तो पल्सर एक और आती थी जो ओल्ड मॉडल आती थी, उसके अंदर जो पीछे की जो गरारी होती थी वो 6 होल की आती थी, और इसलिए कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो है हमारा 4 होल की गरारी है इसके पीछे की। तो ये लिखा है इन्होंने CBS किट F105, ये रोलन का अपना कोड है जो रोलन ने दिया हुआ है इसके अंदर, जो हमारा ये बजाज पल्सर की चैन किट को। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं भाइयों, पहले MRP भी देख लेते हैं जब स्टिकर देख लिया। तो ये भाई पल्सर 150 न्यू मार्च 2006, यहाँ पे वही कोडिंग आ गई दोबारा से, चैन पॉकेट किट, MRP सिर्फ 1039 रुपए है, और बजाज में अगर आप इसे लेते हैं तो 1300 रुपए की चैन किट है ये। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं भाई इसकी क्वालिटी जो है कैसी है। वैसे बजाज के अंदर भी अगर आप इसे लेंगे तो आपको रोलन का ही निकलेगा, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट कि रोलन का चैन सेट ही बजाज के अंदर जेन्युइन आता है। कभी डायमंड निकल जाता है, पहले डायमंड के साथ टेंडर था तो डायमंड आ जाता था, अब रोलन का बजाज के साथ टेंडर है तो रोलन ही आ रहा है ज्यादातर। और मैं आपको ज्यादातर वीडियो दिखा चुका हूँ चैन सेट की, चाहे वो हीरो की कंपनी हो चाहे होंडा की हो, ज्यादातर जो चैन सेट है वो हमारा रोलन कंपनी के ही आते हैं। और रोलन के जो चैन सेट है आपको सस्ते भी पड़ते हैं क्योंकि वेंडर ही रोलन है। अगर यही चैन सेट आपको बजाज के जेन्युइन पैकिंग में डाल दिया जाएगा तो इसके 250-300 रुपए MRP का जो स्टिकर है बजाज का वो बढ़ा देगा बजाज, और आपको आफ्टर मार्केट ये वाला चैन सेट बजाज की पैकिंग में डाल के बेचा जाएगा। अगर बजाज की पैकिंग में आ गया तो 1300, रोलन की पैकिंग में है तो सिर्फ 1000 रुपए का। तो बिल्कुल भी आप डाउट मत करना, रोलन में आप आराम से इसे खरीद के लगवा सकते हो, आपको पैसे भी बचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जेन्युइन क्वालिटी आपके बाइक में जाएगी। तो ये भाई हमारा रोलन की चैन है, जो हमारी आगे की गरारी जो है इसमें लगी हुई है अंदर ही, और चैन जो है ल्यूब हो रखा है पूरा, और गरारी पे जो भाई डिटेल है कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है R मतलब रोलन होगा, फिर 5BV, और यहाँ पे कुछ कोड है 129। इसके अलावा यहाँ पे भाई गरारी की जो फिनिशिंग है बिल्कुल ही रफ टाइप की गरारी की फिनिशिंग है, जैसा कि बजाज के अंदर आती है ब्लैक कलर की गरारी आती है, रफ होती है, कोई कोटिंग वोटिंग नहीं होती। और भाई इसमें 15 टीथ होंगे 101%। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 टीथ का ये स्पॉकेट है भाई। ये हमारी चैन है जिसपे बहुत ज्यादा ल्यूब लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी गीली हो रही है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में बहुत ज्यादा ल्यूब है, मेरी उंगलियों पे चिपचिपाहट सी आ गई है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई, इसके ऊपर कहीं चैन पे रोलन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमने भाई यहाँ पे देखा और देखते हैं, तो भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो ये साफ करते हैं, रोलन देख पा रहे हैं आप, ये देखिए भाई रोलन, तो हर जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो भाई हर जगह रोलन लिखा हुआ है। तो रोलन कंपनी का ये चैन सेट है, और ये हमारी आगे की गरारी है, सॉरी ये हमारी पीछे की गरारी है जिसपे मुझे लगता है इस पे शायद पावर कोटिंग कर रखी है कंपनी ने, थोड़ी सी अलग है, यूनिक है, मतलब जेन्युइन सही बताऊं तो यही निकलेगी आपको बजाज के अंदर। अगर आपको बिल्कुल भी 1% भी डाउट हो तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, बजाज के अंदर भी यही गरारी निकलेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। और इसके ऊपर कहीं कुछ लिखा है नहीं लिखा है ये हम देख लेते हैं भाई।
तो यहाँ पे भैया सबसे पहले तो देखो यहाँ पे रोलन लिखा हुआ है, ROLON, और बजाज की करा रही है। अगर ये होगी तो बजाज पे रोलन मतलब लिख कर आएगा, पर बजाज कहीं लिख के नहीं आएगा। यहाँ पे PR20 44T यानी 44 टीथ, और ये जो सुराग बोले थे फोर हॉल, ये होते हैं ये 1 2 3 4, ये जो सुराग है इसे फोर हॉल के सुराग बोलते हैं बेसिकली। तो ये चार हॉल की करा रही है भाई, चार सुराग की। अब ये पूरा कंप्लीट जो होता है चैन सेट होता है, चैन इस पॉकेट किट इसी को बोलते हैं। ये चैन होगी और ये इस पॉकेट की किट होगी दोनों की, तो ये मिलकर हमारा जो है पूरा चैन सेट कहलाता है बजाज पल्सर का। वैसे तो सारी गाड़ियों का चैन सेट जो है यही चीजें होती है, तीन ही चीजें होती है, एक चैन, आगे की गरारी, पीछे की गरारी, और यही होता है। तो देख लिया आपने आज पल्सर की, मैंने आपको रोलर में चैन सेट की अनबॉक्सिंग दिखा दी। अब आते हैं हम CBZ एक्सट्रीम और हंक वाले चैन सेट पे। तो भाई ये इसका CBZ एक्सट्रीम का चैन सेट है, स्टिकर पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है CBZ एक्सट्रीम हंक 150 cc, और यहाँ पे कुछ कोडिंग करके भाई इन्होंने लिखा हुआ है 126 लिंक की चैन है, 14 जो दाते हैं वो आगे की गरारी में है और 43 दाते जो है पीछे की गरारी में है। और इसके अंदर भाई इसे भी अनबॉक्स करते हैं भाई, ये साइड करते हैं इसको भी, देखते हैं कि इसकी चैन सेट जो है हंक का कैसा है। ये देख लीजिए इसमें जो है आगे की गरारी हमारी भाई थोड़ी सी कोटिंग करके दी हुई है इन्होंने, डायमंड टाइप की गोल्ड बना के दे रखी है। और यहाँ पर भाई कुछ कोटिंग है R वैसी जैसे उसमें था बजाज में वैसी है। और इसके अलावा यहाँ पर चैन है जो हमारी, इसके ऊपर भी देख लेते हैं चैन के ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई। तो चैन के ऊपर इसकी भाई यहाँ पे देखो रोलन लिखा हुआ है, तो रोलन कंपनी की चैन है ये, इस पे रोलन ही निकल रहा है तो ऑब्वियसली रोलन की ही चैन निकलेगी इसके अंदर, कोई शक नहीं है इसमें। और गरारी देखते हैं इसकी पीछे की कैसी है, इसमें भी देखो इन्होंने बहुत तगड़ी कोटिंग करके दी हुई है, तो ये भी अच्छी लग रही है देखने में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें मतलब कुछ भी ऐसा हो जो देख के अच्छा ना लगे, एकदम कोटिंग, ये इसे कोटिंग बोलते हैं, कोटिंग पावर कोटेड ये हो रखी है। वैसे तो प्लेन वैसी आती है जैसी पल्सर की आप देख रहे हो, और ये जो है पावर कोटेड आती है। तो इस पे भी भाई गरारी पे रोलन लिखा हुआ है देखो ऊपर ROLON, और यहाँ पे भाई यहाँ पे इन्होंने गरारी के ऊपर नीचे लिखा हुआ 43 टीथ और R20 कुछ कोटिंग है। बाकी इसमें भी जो है फोर सुराग के ही है, तो फोर सुराग आता है, कपलिंग हब होता है बेसिकली, ये हिस्सा जो होता है हमारा कपलिंग हब पे जाता है, फिर इसमें स्टड लग जाता है और बोल्ट टाइट होके ये फिक्स हो जाता है कपलिंग हब के अंदर। तो भाई ये जो है हमारा हंक का चैन सेट था जिसकी हमने आपको डिटेल दिखाई। और ये चैन सेट आपको कंपनी ने देखो रोलन के स्टिकर पे जो लिखकर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हंक और एक्सट्रीम लिखकर आ रहा है, बट आप इसे यूनिकॉर्न के अंदर भी लगा सकते हैं, यूनिकॉर्न में भी यही चैन सेट लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी फर्क नहीं आता। अगर यूनिकॉर्न के अंदर लोगे तो महंगा पड़ेगा, और इस रोलन में लोगे तो आपको ये बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैंने कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, अभी मैंने कल शायद परसों की बात है, हाँ 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी नाइट आई के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था बेस्ट नाइट आई, सबसे मतलब उसकी अनबॉक्सिंग भी करी थी। मैंने अभी 2500 रुपये की मंगाई थी वो ऑनलाइन, शायद 2 या 2500 की मंगाई थी, याद भी नहीं, अब तो 3-4 दिन पहले मंगा ली थी। तो उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी है, और मैंने बोला था कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं आपको वो नाइट आई सिर्फ 500 रुपये में दूंगा, तो वाकई मैं सच में दूंगा। और एक हफ्ते का टाइम रखा था, तो भाई वीडियो कल डल चुकी है उसमें, और एक हफ्ते के बाद मैं उसे विनर चुनूंगा और कुरियर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए, और वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।